हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपके साथ जुड़ा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं माइंड साइंस पे काम करता हूं, मैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हूं। दोस्तों, ह्यूमन माइंड दो तरह का होता है, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। हर कोई जानता है चेतन और अवचेतन मन को। दोनों का ही अपने जीवन में एक अहम रोल होता है। जहां कॉन्शियस माइंड है, वो हमें सिचुएशंस को इवेल्युएट करना सिखाता है। किसी भी सिचुएशंस में से हम लॉजिकली तर्क संगत उसका इवेल्युएशन कर पाते हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें हमारे गोल के प्रति एक इच्छा हमारे अंदर देता है, एक मोटिवेशन हमारे अंदर देता है और उसके लिए नए नए आइडियाज हमें प्रदान करता है। उन आइडियाज पे अगर हम काम करते हैं तो हमें उसके लिए मोटिवेट करता है और उस रिजल्ट की तरफ हमें आकर्षित करता है और उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजों को हमारे पास लाने के लिए उस सृष्टि से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम में भी मदद करता है। दोस्तों, जो कुछ बना है वो इस माइंड से ही बना है। अब सवाल ये बनता है कि हम माइंड को हैंडल कर रहे हैं या माइंड हमें। अब इन दोनों चीजों को देखें। माइंड को एक पावरफुल गैजेट है। आपके माइंड की तुलना एक बार एक हवाई जहाज से कीजिए और उस हवाई जहाज के पायलट आप हैं और आप देखते हैं कि हवाई जहाज के पास कैपेसिटी है कि वो आपको कहीं से भी कहीं तक ले जा सकती है, लेकिन वो हवाई जहाज बीइंग ए पायलट आपका कहना नहीं मान रही। आप लंदन जाना चाहते हैं, वो आपको ऑस्ट्रेलिया ले जाके उतार दे रही है। आप बैंकॉक जाना चाहते हैं, वो आपको पेरिस ले जाके उतार दे रही है। तो क्या आप अपनी मंजिल को पा पाएंगे? तो क्या आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? तो क्या जिस खुशी को आप ढूंढ रहे हैं उस खुशी को ढूंढ पाएंगे? शायद नहीं। कि वो हवाई जहाज चाहे कितनी ही ताकतवर है, चाहे कितनी ही बड़ी है, चाहे कितनी ही स्पीड से दौड़ती है, लेकिन यदि उस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो चाहिए क्या? चाहिए ये कि उस हवाई जहाज का कंट्रोल उस पायलट के हाथ में हो। यदि वो पायलट उस हवाई जहाज को हैंडल करे और उसको बैंकॉक जाना है तो बैंकॉक लेके जाए, उसको पेरिस जाना है तो पेरिस लेके जाए, तभी एक सुचारू रूप से वो अपनी मंजिल तक हर बार पहुंच पाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हवाई जहाज का कंट्रोल पायलट के पास होना चाहिए या पायलट का कंट्रोल हवाई जहाज के पास? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह आपका माइंड है। अब आप अपने माइंड को हैंडल कर रहे हैं या आपका माइंड आपको? क्या आप जो चाहते हो वही करने लग जाता है आपका माइंड, या आपका माइंड जो चाहता है वो करवाने लग जाता है आपसे? जब इन चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं आपके हाथ में कमांड कम है और आपके माइंड के हाथ में ज्यादा। कितनी बार ही आपने देखा होगा कि आपको पता है कि आपको ये काम करना है और आप चाहते हो उस काम को करना, लेकिन फिर भी कि आपके अंदर से कोई आवाज आती है या आपके अंदर एक थॉट आता है और आपको ये कहता है आज रहने दो, कल करेंगे, या आज इसको पोस्टपोन कर। कौन कह रहा है और कौन रोक रहा है आपको? आपका माइंड रोक रहा है आपको। आपके हाथ से कंट्रोल ले रखा है आपके माइंड ने। तो दोस्तों, इस माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए जो बेहतरीन टूल है वो है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। जी हाँ दोस्तों, एनएलपी एक ऐसा टूल है जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में देता है, ताकि आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएं, ताकि आप उससे बेहतरीन प्रोडक्टिविटी ले पाएं, ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं रेगुलरली लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज को लेकर के वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। मेरे पास लगातार क्वेरीज आ रही है मेडिटेशन की। जो व्यक्ति बिगिनर है मेडिटेशन में, वो कैसे मेडिटेशन करके अपने थॉट्स को, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें। दूसरा, स्टूडेंट्स की भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि हमारे लिए भी कुछ वीडियोस क्रिएट करें। तो आने वाले टाइम में मैं आपके लिए दो सीरीज नई क्रिएट कर रहा हूं, जिसमें एक सीरीज में होंगी मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस कि किस तरह आप अपने आप को मेडिटेट करें, किस तरह अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, किस तरह मेडिटेशन का बेनिफिट अपनी लाइफस्टाइल में यूज करें। वहीं दूसरी सीरीज है कि न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी माइंड साइंस, यानी अपने दिमाग को अल्टीमेट इस्तेमाल करते हुए बीइंग ए स्टूडेंट हम किस तरह अपने आप को एक क्रिएटर बना सकते हैं, किस तरह हम अपने आप के प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सीरीज भी आपके पास आने वाली है। आप किस तरह की सीरीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, ताकि आपके पास
वो वीडियोस टाइम से पहुंच पाए। दोस्तों, हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, किसी भी काम को करने में हम अपने आप को एक फ्लो में पाते हैं, एक सीक्वेंस में पाते हैं जिसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हम इस मूड से उस काम को कर जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता कि हमने वो काम कर दिया। वो काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, वो पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहीं जब आप कॉन्शियस माइंड से किसी काम को करते हो तो आप उस काम को करने में कई बार झिझकते हो, कई बार आप रुकते हो, कई बार आपको टंग स्लिप होने लगती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको आने वाली सीरीज में यही टेक्निक देने वाला हूं किस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल को, अपने विजन को और अपने सपनों को इंस्टॉल करें, ताकि आप हमेशा अपने आप में मोटिवेटेड रहें। क्योंकि अंदर से आया हुआ मोटिवेशन हमेशा एक बेहतरीन मोटिवेशन रहा है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है। चलो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।